अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उज़ैफ़ा शाकिब। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए, देखें, ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेके आई हूँ, ये साइप्रस प्लांट के रिपोर्टिंग के ऊपर, कि इसको किस तरह से रिपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर ये ऐसा प्लांट है कि इसको अगर सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाए तो प्लांट मर भी सकता है। और इस तरह से ये जो अपने लीफ है ब्राउन करने लगता है और प्लांट डेड हो सकता है आपका। तो इसके रिपोर्टिंग का सही तरीका क्या है, इसको किस तरह की मिट्टी पसंद है, इसको कैसे फर्टिलाइज़ करना है, तो वो सारी बातें आज मैं आपसे वीडियो में शेयर करूंगी। और इसमें जो लास्ट में फ्रेंड्स मैं एक ऐसी चीज़ डालूंगी, ये देखें, ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी कि ये क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब मैं इसलिए बोलती हूँ, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ मैं, ये अंदर से फील होता है एक लाइक और सब्सक्राइब से। तो लाइक और सब्सक्राइब से फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है। तो ये देखें, तो मेरा प्लांट कुछ इस तरीके का है। तो इसको बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसको मिट्टी कैसी चाहिए। तो साइप्रस को फ्रेंड्स बिल्कुल वेलड्रेंड मिट्टी पसंद है, इसकी जो मिट्टी बनेगी वेलड्रेंड बनेगी, वेलड्रेंड सॉइल इसको पसंद है, ऐसा मिट्टी जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। क्योंकि अगर इसके मिट्टी में पानी रुक जाएगा तो ये इस तरह से नीचे से ब्राउन होने लगता है, ये अपने लीफ को ब्राउन करने लगता है। और ये गोल्डन साइप्रस का प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें एक आता है वो बिल्कुल ग्रीन होता है, एक और वैरायटी जो आती है, ये ऊपर से थोड़ा सा गोल्डन लग रहा है तो इसको गोल्डन साइप्रस भी बोलते हैं। तो ये देखिए मिट्टी मैंने इसकी किस तरह की ली है। तो मैंने वन पार्ट लिया है, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो लिया है, और मैंने वन पार्ट लिया है वर्मी कंपोस्ट, और दो मुट्ठी मैंने इसमें जो गोट मेन्योर होती है, बकरी की जो मल होती है गोट मेन्योर, तो इस तरह से इसको क्रश करके मैंने इसमें डाला है, दो मुट्ठी लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको क्या है फ्रेंड्स कि अच्छे से फर्टिलाइज़ करना, अभी इसको रिपोर्ट कर रही हूँ तो ज़रूरी है इसके अच्छे ग्रोथ के लिए, तो इसलिए मैंने गोट मेन्योर डाला है। और इसमें मैंने 20% सैंड डाला है, सैंड ज़रूरी होता है, इसकी जो मिट्टी बनेगी वेलड्रेंड बनेगी तो सैंड ज़रूरी है। और ये देखें फ्रेंड्स, ये एक और चीज़ इसके मिट्टी में मैंने जो डाली है, ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र है। तो इसको भी इतना सा दे दोगे तो एक गमले के लिए, इतना सा एक गमले के लिए काफ़ी है। तो इसको डालना कैसे है, तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैंने इसमें डाल लिया है। और एक चीज़ और इसमें डालना ज़रूरी है फ्रेंड्स, आप जब प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो इतना सा फंजीसाइड मैंने इसके मिट्टी में इस तरह से मिलाया है। और तो चलिए, मिट्टी की तो बात हो गई, तो चलिए मिट्टी को मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास परलाइट है तो आप परलाइट भी मिला सकते हैं, मैंने नहीं मिलाया है, परलाइट भी आप मिला सकते हैं। तो ये देखें, मैंने इस तरह की 10 इंच की पॉट ली है, और पॉट में ड्रेनेज होल होना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग पानी प्लांट में डालें तो इस तरह से पानी हमारा रुके नहीं, पॉट में ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए पानी। और इसको कवर करने के लिए ये देखें, ये हमारे जो पुराने गमले टूट जाते हैं तो इस तरह से उसको मैं बचा लेती हूँ, तो ये लिया है मैंने। तो इस तरह से इसको छेद को कवर कर देना है, ड्रेनेज होल को देखें इस तरह से कवर कर देना है। तो चलिए, इसमें इस तरह से मिट्टी डाल ले रही हूँ, 2-3 इंच तक अच्छे से मैंने मिट्टी इसमें डाल लिया है। और फ्रेंड्स, इसके मिट्टी में मैंने एक चीज़ और मिलाई थी, ये देखें फ्रेंड्स, ये है वर्मी कंपोस्ट, जो क्या होता है इसमें हर एक चीज़ मिला हुआ है, तो सब कुछ इसमें मिला हुआ है। और ये देखें कुछ इस तरह का दिखता है, तो इसमें जो भी खाद होते हैं वो सारे खाद इसमें मिले हुए हैं। तो ये भी मैंने इसमें 2 मुट्ठी डाला था, इसको अच्छे से फर्टिलाइज़ करना इसके अच्छे ग्रोथ के लिए।
ज़रूरी होता है। मिक्सचर खाद है ये, वर्मी कंपोस्ट का ये मिक्सचर खाद है, इसमें हर चीज़ मिला हुआ है। किसको बोलते हैं जैविक जो होता है वो है, तो इसको मैंने नर्सरी से परचेज़ किया है। तो आप मार्केट से भी आप इसको बाई कर सकते हैं या ऑनलाइन देख लेना मिलेगा तो मैंने लिया। नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा, काउडन कंपोस्ट वो डाल देना। काउडन कंपोस्ट जो होता है पुरानी गाय की एक साल की जो पुरानी खाद होगी वो डालना है। तो ये देखे फ्रेंड्स मेरा देखे प्लांट कुछ इस तरीके का है, और ये देखें इसको क्या करना है कि हल्की हल्की इसकी मिट्टी हटा लेनी है, ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करना है प्लांट को। अगर आप बिगनर हैं तो वो भी मत हटाएं। तो इस तरह से मैं इसको प्लांट को इस तरह से बीच में बिठा ले रही हूँ। और इस तरीके से तो ये देखें फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसमें अच्छे से मिट्टी डाल ली है, और इतना सा 1.5-2 इंच मैंने छोड़ दिया है कि इसको मैं 2-3 महीने में थोड़े बहुत फर्टिलाइज़र दे दूंगी तो इसके लिए काफ़ी रहेगा, इसके अच्छे ग्रोथ के लिए। तो 2-3 महीने में एक बार इसको मैं अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दूँगी। अभी तो मैंने कर दिया है तो ज़रूरत नहीं है, 3-4 महीने नहीं भी करूँगी तब भी चलेगा, इसकी अच्छी ग्रोथ चलती रहेगी जितना मैंने इसको फर्टिलाइज़र दे दिया है। और इसको क्या करना है कि हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है कि किसी तरह की हमारे प्लांट में एयर पॉकेट नहीं रहे। तो देखें इस तरीके से मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर दिया है। और बनाना पील फर्टिलाइज़र जो होता है फ्रेंड्स पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है ये बनाना पील फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए। और मैंने जो बोला था ये देखें फ्रेंड्स ये है एप्सम सॉल्ट, तो इसी के बारे में मैं बात कर रही थी। ये एप्सम सॉल्ट है, देखें कुछ इस तरह के पैकेट में आता है, तो मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था। और ये देखें तो मैंने 1 गिलास पानी लिया है, 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच डालोगे छोटे चम्मच से। तो इस तरह से मैंने 1 गिलास पानी लिया है तो मैं इसमें इतना सा डाल रही हूँ। तो एप्सम सॉल्ट जो होता है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा होता है प्लांट के लिए, प्लांट को हमारे शॉक में नहीं जाने देता है। और कभी कभी इसका स्प्रे भी अच्छा होता है पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए। और ये देखें इस तरह से मैं इसको मैंने इसमें देखें डाल लिया है, और इसके पत्तियों पे भी इस तरह से मैंने इसमें भी बना के रख लिया था। तो इसके पत्तियों पे भी इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। ये देखो और इसको अच्छे से अभी इसको पानी देना है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप रिपोर्ट करते हो तो इतना पानी ज़रूरी होता है कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाना चाहिए, इतना पानी देना है। और इसको क्या करना है फ्रेंड्स कि ज़्यादा पानी नहीं देना है ऐसे, जब भी आपको लगे कि इसकी मिट्टी ड्राई है बिल्कुल कंप्लीट ड्राई हो जाए तभी आपको इसमें पानी देना है। इसको ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता, ओवर वाटरिंग की वजह से इस तरह से ये अपने लीफ को ब्राउन करने लगता है, इसके पत्ते ब्राउन होने लगते हैं। इसको फ्रेंड्स रखना कहाँ है तो इसको सेमी शेड एरिया में रखना है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ बहुत अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना। फिर मिलूँगी किसी अच्छे वीडियो के साथ, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।